हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय अदर वीडियो, दिस इज पुलकित। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे टाटा हैरियर की रेड डार्क एडिशन की, जो कि ऑटोमेटिक के अंदर है और ये शोरूम्स के अंदर अवेलेबल हो चुका है। ये कार का टॉप मॉडल है और ये कई सारे नए फीचर्स के साथ अपडेट होकर शोरूम्स के अंदर आ गया है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत की अगर हम बात कर लें तो 24,07,000 रुपये एक्स शोरूम आपको कॉस्ट करेगी। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करें अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कार की कीज़ की बात कर लेते हैं। इस कार के अंदर आपको ऐसी दो रिमोट वाली कीज़ देखने के लिए मिलती है। इसमें आपको टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको लॉक, अनलॉक और बूट ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है। और फॉलो मी हेड लैम्प के लिए एक अलग से बटन दिया गया है। जब भी आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपके फॉलो मी हेड लैम्प ऐसे ऑन हो जाएंगे। और लुक देख लो यार गाड़ी का, क्या प्रीमियम लग रही है। ब्लैक कलर में तो ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया लगती है कार। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो बिल्कुल ब्लैक में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक रेड एलिमेंट भी देखने के लिए मिल जाता है इसकी ग्रिल पर, क्योंकि ये कार का रेड डार्क एडिशन है ऑटोमेटिक के अंदर। और यार इसमें जो एक फीचर मिसिंग था एडास का, वो इसमें आ चुका है। और इसकी मार्केट में तब से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है और बहुत सारे फीचर्स लेके आता है, अभी हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर आपको फ्रंट में कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अब आपको कार को पार्क करने में किसी तरीके कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें एमरजेंसी ब्रेकिंग का भी फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है, मतलब अगर कोई भी चीज़ एकदम से सामने आ जाती है तो कार अपने आप अपनी स्पीड को स्लो कर लेगी। साथ ही साथ आपको इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग भी देखने के लिए मिल जाती है। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है इस गाड़ी के अंदर। साइड लुक आप देख लो यार गाड़ी का, कितना मस्कुलर है और कितना बड़ा है। यहाँ पर आप इसके LED DRS देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि इस कार को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। इधर की साइड आपको इसके BI प्रोजेक्टर लैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं, इधर की साइड कॉर्नरिंग लैम्प्स, और यहाँ पर आपको इसके फॉग लैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फॉग लैम्प्स के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे मारुति या हुंडई में सब अपनी गाड़ी के अंदर से फॉग लैम्प्स हटाते जा रहे हैं, टाटा वो काम नहीं कर रही है। साथ ही साथ लुक यार काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी चौड़ी है कार। इधर की साइड आ जाए तो ये ब्लैक कलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। और इंटीरियर ब्लैक और रेड का, ये जो इंटीरियर है ना, ये तबाही है यार। इंटीरियर देखो आप, क्या प्रीमियम इंटीरियर आपको कार के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और ये रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन मिलता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील दे देता है आपको। साथ ही साथ आप लंबाई देख लो यार गाड़ी की, कितनी मस्कुलर लगती है और लंबी काफ़ी ज़्यादा है। अपने सेगमेंट में सबसे बढ़िया व्हील बेस लेके आती है कार। 2741 mm का व्हील बेस आपको इस कार के अंदर देखने के लिए मिलता है। इवन आप अगर इसे कंपेयर करोगे ना क्रेटा या स्कॉडा कोशाक से, तो कहीं ज़्यादा है। स्कॉडा कोशाक में आपको 2641 mm का मिलता है और वहाँ पर साथ ही साथ क्रेटा में आपको 2610 mm का व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। तो बेस्ट इन सेगमेंट आपको इस कार के अंदर व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। इवन टाटा सफारी के अंदर भी 2741 mm का व्हील बेस मिलता है। तो यार काफ़ी बढ़िया व्हील बेस आपको इस कार के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात कर लें तो 205 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलती है, जो कि और गाड़ियों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। क्रेटा में आपको 190 mm की मिलती है, तो आप उससे इजीली कंपेयर कर सकते हैं, जबकि क्रेटा मार्केट लीडिंग है। यहाँ पर आपको फ्रंट में 18 inches के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे देते हैं इस गाड़ी को। इधर की साइड आ जाए तो यहाँ पर आपको रेड डार्क की बैजिंग भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको इसके ORVMs में कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है, तो इसमें आपको 360 डिग्री कैमरे का फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है। इधर की साइड आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइन, तो ये ऑटोमेटिकली जब आप ड्राइव करोगे और आपको अगर इसके अंदर कार नहीं भी दिख रही है तो ये यहाँ पर ब्लिंक करेगा साइन, जो ये साइन ऑटोमेटिकली ब्लिंक करेगा, तो उससे आपको इजीली अंदाज़ा लग जाएगा कि कोई गाड़ी पीछे की साइड से आ रही है। रियर में आ जाए तो यार रियर प्रोफाइल देख लो इस गाड़ी की, है ना यार, कितनी प्रीमियम है। रियर से एक मस्कुलर सा लुक कार को दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। मुझे पर्सनली इस कार का रियर लुक तो यार बड़ा तबाही सा लगता है। यहाँ पर आपको LED टेल लैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम है। इधर की साइड आपको रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों ही साइड इसके बम्पर पर। साथ ही साथ आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों ही साइड। यहाँ पर आपको कैमरा भी देखने के लिए मिलता है। इधर की साइड आपको वाइपर विद वॉशर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको रियर में डिफॉगर भी देखने के लिए मिलता है, टॉप बाउंड स्टॉप लैम्प, और साथ ही साथ आपको शार्क फिन एंटीना भी देखने के लिए मिल जाता है। अब यार आपको इसके रियर में है ना कुछ एडास के फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे आपको रियर कोलिजन वार्निंग का फीचर देखने के लिए मिलता है। बेसिकली अगर पीछे से कोई कार बहुत स्पीड से आ रही होगी तो ये आपको एक अलर्ट दिखाएगी इसके साइड व्यू मिरर पर। यहाँ पर आपको अलर्ट दिखाएगी और साथ ही साथ आपको वार्निंग भी देगी कि पीछे से कोई कार काफ़ी स्पीड से आ रही है, और इसके साथ ही साथ इंडिकेटर भी ऑन हो जाएंगे, तो उससे जो है पीछे वाली गाड़ी को सिग्नल मिल जाएगा कि आगे कोई गाड़ी है। तो रियर कोलिजन वार्निंग का भी इसमें आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर है। साथ ही साथ आपको इसमें रियर ट्रैफिक क्रॉस अलर्ट भी देखने के लिए मिलता है,
जो कि काफ़ी बढ़िया है। बेसिकली जब आप कार पार्क कर रहे होते हैं तो कोई भी गाड़ी इधर की साइड से एकदम से आ जाती है इधर की साइड, तो ये आपको एक अलर्ट आपकी स्क्रीन पर और गाड़ी आवाज़ भी करती है, तो इससे आपको इजीली पता लग जाएगा कि कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है पीछे से। तो आप पार्किंग के टाइम पर एकदम सावधान होकर पार्क करेंगे गाड़ी को। अब हम बात कर लेते हैं कार के बूट स्पेस की। तो इस कार के अंदर आपको 425 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। ये देखो यार कितना मैसिव बूट स्पेस आपको कार के अंदर देखने के लिए मिलता है, मतलब यार पूरा आदमी इसके अंदर समा जाए इतना स्पेस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको रात के पर्पज़ से एक लैंप भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको 2 kg का लगेज हुक भी देखने के लिए मिलता है। इसे मैं दिखा देता हूँ कि कैसे बाहर आएगा, ये ऐसे बाहर आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको JBL के स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं रियर में, और यहाँ पर आपको स्टेपनी के सारा सामान देखने के लिए मिल जाता है, सारी टूल किट, और ये यहाँ पर आपको टायर रिपेयर की किट भी देखने के लिए मिल जाती है। इधर की साइड आपको कुछ सामान रखने के लिए स्पेस दी गई है, और इसका बेसिकली व्हील आपको जो मिलता है ना नीचे की साइड देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आपको इसका व्हील देखने के लिए मिल जाता है ये। तो इसका स्पेयर व्हील भी 18 inches का ही है, और यार ये जो इसमें मटेरियल दिया गया है ना ये काफ़ी हैवी है और गाड़ी के कंपैरिजन में उसमें तो यार ऐसी दे देते हैं हल्का सा, तो वो कुछ भी आप सामान रखो तो दब जाता है, ये नहीं दबेगा, काफ़ी हैवी है। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे देखने के लिए मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल भी देखने के लिए मिलता है इजीली, जिसकी हाइट छोटी है वो इसे पकड़ के बंद भी कर सकता है। तो यार रियर में भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब हम चलेंगे कार के अंदर और बात करेंगे कार के इंटीरियर की। तो कार के अंदर चलने से पहले बात कर लेते हैं हम कार के इंजन की। तो अगर हम बात करें इस कार के इंजन की, इस कार के अंदर आपको 2 liter का मल्टी जेट टर्बो इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि 170 PS की पावर जनरेट करता है और 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और कहीं भी आपको किसी तरीके कोई भी इंजन गैप्स देखने के लिए नहीं मिलते। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 50 लीटर का फ्यूल टैंक आपको कार के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की साइड यहाँ पर आपको इंसुलेशन भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, और ये कार का जो ये है ना यार बोनट काफ़ी हैवी है, तो इससे आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाता है। अब हम चलते हैं कार के अंदर। तो जैसे ही आप कार को ओपन करेंगे तो ये वेलकम सीट्स वाला फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ऑटोमेटिकली सीट इसकी डाउन हो गई है। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट का भी फीचर देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ 3 लोगों के हिसाब से आपको मेमोरी फंक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। इधर की साइड आ जाएँ तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर कुछ एम्प्टी स्पेस, और इधर की साइड आपको अम्ब्रेला होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसके स्पीकर की हाउसिंग देखने के लिए मिलती है, और रात के पर्पज़ से यहाँ पर आपको एक लाइट भी दी गई है जो कि काफ़ी बढ़िया है। इधर की साइड आपको एक रेड उस फिनिश के अंदर स्टिचिंग देखने के लिए मिल जाती है डोर पे, और पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर एक एलिमेंट देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है कार को। डोर्स काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन हो जाते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ईजिली आप कार के अंदर एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं, पावर विंडो और ORBM से। यहाँ पर आपको लॉक हैंडल देखने के लिए मिलता है। अब ज़रा कार के अंदर चलते हैं। सबसे पहले मैं कार का इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। तो कार का इग्निशन मैंने ऑन कर लिया है, उससे पहले मैं इसका AC बंद कर देता हूँ, फ़ैन जो चल रहा है इसका। अब सीट मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ पहले, तो मैं 6 feet का हूँ, ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है। और ये देखो यार इंटीरियर देखो, आप फील देखो यार गाड़ी के अंदर की, रेड कलर के अंदर यार ये काफ़ी बढ़िया लग रही है और एक प्रीमियम फील दे रही है आपको अंदर से। यहाँ पर आपको ORBM के कंट्रोल इधर की साइड देखने के लिए मिल रहे हैं मिरर के, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसे आप इजीली लेफ्ट राइट करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको स्पीकर, यहाँ पर आपको JBL के ट्विटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं इसके दोनों ही साइड। और अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इस कार के अंदर आपको 6 airbag देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको इसकी 9 inches की फुली टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की पूरी यूनिट देखने के लिए मिलती है, जो कि हरमन के थ्रू दी गई है। और इस कार के अंदर आपको 4 speaker देखने के लिए मिलते हैं, 4 tweeters के साथ, साथ ही साथ एयरबैग यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और बाकी कर्टेन एयरबैग्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि इसके पिलर्स पे हैं। इधर की साइड आ जाए तो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने के लिए मिलता है ब्लैक फिनिश के अंदर। यहाँ पर आपको एयरबैग की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल और एडास के सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। इधर की साइड आपको वॉइस असिस्ट भी देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ सारे कंट्रोल वॉल्यूम के और उसके साथ मीडिया के देखने के लिए मिल जाते हैं।
अगर हम बात कर ले कार की MID की, तो आपको इसमें फुल्ली डिजिटल MID देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप इसे ऑटो पर डाल देंगे तो ये रात के टाइम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। इधर की साइड आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी देखने के लिए मिलते हैं और ऑटो डिम IRVM भी देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। ये इसका एडास का पूरा सेंसर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ बेसिकली एक स्पीकर भी दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है, और इसके ट्विटर्स आपको डोर के साथ साथ यहाँ भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और ऊपर की साइड ये पैनोरामिक सनरूफ आपको बड़ी तगड़ी देखने के लिए मिलती है, एकदम मैसिव पीछे तक चली जाती है, और इसके सारे कंट्रोल जहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप ये प्रेस करेंगे तो इसके सिर्फ ब्लाइंड्स खुलेंगे, ये ब्लाइंड ऑल द वे पीछे तक चले जाएंगे, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, पूरे पीछे तक चले जाते हैं। और सही बात बता रहा हूँ यार, मैंने बहुत गाड़ियों की पैनोरामिक सनरूफ देखी है, इस गाड़ी की यार बात ही अलग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की है ये, कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ये कोई सस्ती पैनोरामिक सनरूफ है। अब मैंने दोबारा प्रेस किया तो ये इसकी सनरूफ खुल गई है। तो यार यहाँ हर चीज़ के ना अलग कंट्रोल दे रखे हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। जैसे और गाड़ियों में तो सिर्फ एक बटन दे दिया जाता है, यहाँ पर आप इसे बंद कर दिया मैंने तो ये बंद होएगी पूरी, ठीक है। और ब्लाइंड्स के लिए अलग से है, ब्लाइंड्स के लिए ये है, जब आप इसे प्रेस कर देंगे तो इसके ब्लाइंड्स पूरे आगे तक, मतलब आपको इसे होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो बेसिकली यार इसके ब्लाइंड्स आ जाएंगे, होल्ड नहीं मतलब लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा आपको, इसके ब्लाइंड्स आ जाएंगे। इधर की साइड आपको रात के प्रवर से LED लैंप्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इधर की साइड आपको इसमें ड्राइविंग मोड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, साथ ही साथ हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ से आप सारे ड्राइविंग मोड्स को चेंज कर सकते हैं। Rough road mode. तो जितनी बार भी आप चेंज करेंगे वो यहाँ पर लिखा आ जाता है। Rough road mode is activated. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं दोबारा चेंज करूंगा। Wet mode is ये इसका activated. Wet mode activate हो गया है। तो अलग अलग मोड बेसिकली इसके अंदर दिए गए हैं। तो यार कार की बैटरी शायद डाउन हो गई है, कुछ टेक्निकल सा इसमें इशू आ रहा है बैटरी के साथ, ये स्टार्ट करने के लिए मना कर रहे हैं इसे बार बार। अब ये जितना मैं आपको बता पाया यही था, बाकी इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है, और ड्राइविंग मोड्स इधर की साइड देखने के लिए मिल जाते हैं आपको, दो ड्राइविंग मोड इधर की साइड भी देखने के लिए मिलते हैं आपको। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी यूनिट देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पर आपको कप होल्डर देखने के लिए मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर कुछ एम्प्टी स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने में मिलता है, उसके साथ USB केबल सॉकेट भी देखने के लिए आपको मिल जाता है। और बाकी तो यार ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई थी। अब चलेंगे हम कार के रियर में और देखेंगे कितना स्पेस रियर में देखने के लिए मिलता है। तो रियर में भी यार आप डोर देखो कितना वाइड ओपन हो जाता है, इजीली आप कार के अंदर एंटर कर पाएंगे। तो यार रियर में यहाँ पर काफ़ी अच्छा नी रूम देखने के लिए मिल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बर्बर के नी रूम दिया गया है। और हेडरूम की अगर हम बात कर लें तो काफ़ी अच्छा हेडरूम आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। बाकी एयरबैग यहाँ पर आपको इसके पिलर पे देखने के लिए मिल जाते हैं, कर्टेन एयरबैग आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको AC वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं रियर में, और इधर की साइड आपको JBL के स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं, सॉरी ट्विटर्स, और यहाँ पर स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। इधर की साइड आपको पावर विंडो कंट्रोल, लॉक हैंडल देखने के लिए मिल जाता है, और स्पेस की तो यार कोई भी कमी नहीं है। और रियर में भी आपको बाय द वे वेंटिलेटेड सीट्स देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फीचर है। और रियर से देखो यार क्या फील देती है, अंदर बैठ के मतलब यार राजा की तरह आप बैठ के जाओ, मस्त मज़ा देती है आपको। यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं रियर में, और इसमें आपको एयर प्यूरीफायर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ दिया गया है बेसिकली यहाँ पर, और अपना फ़ोन भी रख सकते हैं, स्पेस दी गई है यहाँ पर भी आपको स्पेस दी गई है अलग से फ़ोन रखने के लिए। तो यार काफ़ी अच्छा इंटीरियर है गाड़ी का, और स्पेस के साथ तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, भर भर के स्पेस दिया गया है कार के अंदर। अब आप चलेंगे इस कार के वर्डिक्ट पे, तो अब आ जाते हैं हम इस कार के वर्डिक्ट पे। तो जिस प्राइस पॉइंट पे ये कार आ रही है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ये आपको ऑफर कर देती है, जो कि कोई और कार आपको ऑफर नहीं कर रही है इस सेगमेंट में। जैसे कि आपको फ्रंट कॉलिजन वार्निंग देखने के लिए मिल जाती है, उसके साथ रियर कॉलिजन वार्निंग का भी फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा, लेन चेंज असिस्ट, लेन चेंज वार्निंग, उसके साथ आपको ट्रैफिक साइन डिटेक्शन भी देखने के लिए मिलता है, ट्रैफिक क्रॉस अलर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, हाई बीम असिस्ट का फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो फीचर्स की लिस्ट तो यार एंडलेस है, अगर हम मैं बात करूँगा तो पूरी शाम हो जाएगी। तो आपको अगर एक लग्जरी कार का मज़ा लेना है तो आप इस कार को देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया पैकेज है कार, और जो फीचर्स आपको मर्सिडीज़ या BMW जैसी लग्जरी गाड़ियों में मिलते थे वो सिर्फ 24 लाख के अंदर आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये मंगलम टाटा है तो उनको मेरा स्पेशल थैंक्स है, क्योंकि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस वीडियो को बनाने के लिए। साथ ही साथ शोरूम्स की सारी डिटेल आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी, तो ईजिली वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी कार को बुक करा सकते हैं।
तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।